रह वाला बनी तोरा से। अरे अपना काम है बनता आ गार मारे कुटुम। रे कमलागत के शायरी बोल ले हरी तनको शोभला हुआ पार दल अंडा ले ला। अंडा के साथ अब गंदा भी कर देलू। अब चल जा होकर लेके होकर बाड़ी। आज अन कोच बना के खाए बहुओ तनका हमरो के खियाइए। दादा देखा तरह उतने बहुत बा सूंगे दे हमारा ही ना खियावे के बात करत रह। जो सरवा ना खियाइए हमारा ने खियावे जाता केहू के। ए माये तनका तेल बेसी रखिए अंडा फूले के चाहिए। तनका नाश्ता लगाई माई जी। साले के बाप के जिम्मेदारी बा नाश्ता निकाल के रखल जा। साला एगो दमादो बा तो डेढ़ महीना से घरे बैठल बा बाहर भीतर जाए के नामे नहीं खेलेबा। जिंदगी भर हमरे कमाई खाई का दुन सरवा। ए माई तनी हमरो के दी है हमनियो बेटे बनियो। रोको ना बाबू हमर दे तनी। आज अंडा छुआ गेल नु तो चूल्हे फोराई आज। हां तोहर बाप ने चूल्हा बनेले बरन फोर दिया नी पुतरो कहीं के। हरिओम हरिओम हरिओम। धर बो धर तंग तुर ले का दिन में हमारा कोरोना खाई। धर रे चाणवा धर अपना गाड़वा में ठूस ले। धर धर घर में अंडा खाना बनी तो खाएं। क्यों निकला देखा बाहर क्यों आयल बा। ए सुना तानी देखी ना क्यों चिल्लाता चिल्लाता रे के बा ए बा। आदमी नहीं के चिना है पहले एक गिलास पानी ले आऊ कुला करे के बा प्रणाम। अरे सतरंगी बाबू का समाचार बा। अब बड़ी दिन बाद पूरा वेशभूषा बदल के। फूफा जी प्रणाम प्रणाम फूफा प्रणाम फूफा। खूब खुश रह खूब खुश रह। आइलो आ फूफा फूआ फूआ फुआ तो थोड़े मजे मारा तो फुफा। मेहमान जी तनी होश में ना तो रहो बहन के मजे मरवा दे। ए महाराज मजा मारे के मतलब गलत का समझे तनी। घर में पंखा लागल बा गैस पे खाना बनाता वॉशिंग मशीन में कपड़ा पिचाईता ये सब मजा ना बता का बा। ए फुफा तो बात ठीक है कहत हो पापा ने अपन दोगल अपन सोचल आवा। आए पतर के इधर बैठ इधर। तब मेहमान जी राहुल बहनिया माजा मारा था कि ना। कोनो ठीक बा माजा मारते होई धनी घर में शादी भेल बा एसी में रहला आ खाना पीना नौकर बनावेला। ई सब तो भगवान के मर्जी बा। फूफा ओ फूफा चला ना अंगना में माई बुलावता। चला ना माई नाश्ता निकाल के पलंग पर धई ले बा। चला आओ तनी आओ तनी आओ। ए मेहमान बाहर बैठू भीतर का जा तनी। ए हटू सरोजिन बुलाओ तरी। 12 दिन ओकरा भेट कला केने बारो ओ कर जा। अरे भौजी काल में हो। भौजी प्रणाम। खूब खुशी रही खूब खुशी रही। बड़ी सुंदर लगा तरी भौजी मन कर त काचे काट ली मां छोड़ा। आ कहीं ना ना दिए के समाचार ठीक है मान में कि रहुआ लेके देखी। मेहमान जी रवर बारा बनिए खा रहा बा कोती भौजी। ए राहुल ठीक। हमरा दिले घबरा गेल हम समझ नहीं कुछ और। मारा गंदा गंदा बात सोच के मारा गंदा गंदा बाबू। रे फूफा जी के बैठे लगे कुर्सी लिया जा। ए जो जाके कुर्सी ले भाई। तोरा के कॉल हुआ कि हमरा के। तोरा के माई केकरा कॉल है कुर्सी ले आवेला। तोरा बाप के। ओ पापा के। पापा जाके कुर्सी ले आओ फूफा के बैठेला माई कहत हवा। तू सरा उ खड़ा हो के मतारी के खेला देखा तरह जो सला जाके कुर्सी ले आओ। हम ये गाय जाई हो एकने कहला कौन है एकने के तोर बाप हो कि बाप के बाप के बाप हबो। कथि कहले रे सारा बाप चाहेंगे बतिबे। अच्छा जाए दू भाई साहब खिसियाओ मत हम खड़े खड़े ठीक बानी।
चुप चला चुप, तोरा से बोले नहीं जात मऊगाठी कहीं के कर कुटुम आवल है तो दूरा पर बैठल है सुरछुराइले घर में घुस गेलन सरोजिन से भेंट करे भला आदमी लेखन बाहर चल अच्छा ठीक बा बाहर नाश्ता पानी हुआ कब से बैठल बानी सारा नोटंकी देखत तनी भिखारी ना आई घर के दामाद आई पुरान का फुफा नायका दामाद कहीं घर में हिस्ते नहीं खे आ पुरान का दामाद कहीं है केहू लाड़े पूछता एगो काम करो ना फुफा ई घरवा लिखवाना ल हां त लिखवाइए ले हम जहां एक बार ठननी तब तो दो चार कटा लिखवाइए ले हम हमर लड़वा हिलाओ ना सरौ के बेटा हां यार और बाबूजी और अदले बरन की लिखवा लेब ओ भाई जी नाश्ता करब कि ना करब कि भूखे रखब मिली नाश्ता इतना छटपटी कथी के बा भूखे मरल जात रे का अइले सरसराइले घर में घुस गेला आए जो बाबू से जो फुपाला नाश्ता लेके आओ ए भैया चल नाश्ता ले आओ जाओ ए जो कोनो पहाड़ ले आओ के नाश्ता ले आले चार आदमी जाई जैसे कोनो आदमी मरल बा कांधा देके ले आओ के बा आइला फुफा नाश्ता आइला फुफा पानी अरे साला अंडा हमारा अंडा कहाँ ले ले रे ए भाइयो माई दले ये कल ये फुफा खाइयन ए गार मारी फुफा के हमारा अंडा कोनो सरवा ना खाई अंडा सा हित साले के फुफा तू खा खाओ कुटुम खाओ डराओ मत ई साला अंडा के बच्चा बा ए फुफा अंडा के खाल पूरा गार बाहर निकाल दे हम अगर अंडा के छू देला नु त आज तोर से परवा ले हम ए कुटुम खाओ रहुआ हम बानी नु फुफा अंडा के छू देला त तोहर मुंह छुकर के तोरा गार में साट दे हम खाओ मेहमान खाओ ढीटे फुफा तू खा हम पकड़ ले बानी ए फुफा फुफा तू डरा मत ढीटे खा ए ओ बाप रे बाप अंडा मुंह में जाता हमार जूजी खाना फुफा अंडा खाइए साला पकड़ो तो अब ले जसन भूजा प्याज के खाई हटाओ सन ए बहू ए प्लेट हटाओ मेहमान ना खइन इनका गांड भरल बा आटा चा बाबा तालो बकरी के घास समय काटी लो बैठ के चुटर से करता बाबूजी देखी ना के आल बरन के आल बरन हम सतरंगी प्रणाम बाबूजी खुशी नहीं काहे ला ओइनी हो मुंह मरवा गए बनी साला घर में कोनो इज्जत नहीं के कोनो टी खिला होता कोनो अंडा छीनता कोनो घर से निकलता है बहुरूपिया बानी का बहुरूपिया राक्षस कह राक्षस अंडा हमर काय खाला बिना पूछ ले ए हम का जाने अंडा कहां से लेके आइलो मुंह में तो ना पड़े देले छीन के खा गेले अच्छा फुफा तू टेंशन मत ल भेना अंडा पारम नु त खिया अच्छा ना 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 भेना मोर मुर्गी अंडा पारे नु त खिया बंटी अंडा तू परबे एक बार मुर्गा से पाल खा के परते हो जो साला तू के पाल खो रोज अंडा पड़ी है रोज तरवा के खइए रे साला तू ने कहले अंडा परम फुफा खइहन रे साला गलती से मुंह से निकल गेलो को गेट छोड़ बच और मुआ आप उठे फुफा ए हटे रहुआ उठे फुफा जी अरे बाबू बाप बउवा जी बैठावा कुर्सी पर ए हटी चले मुआई दे हम झाटे न चिन्हे बड़ा चाहे छोट बाप चाहे दादा हम तो बेकारे उठेनी है फूफा के भले गार छित्रा के गिरा रहल बा हम तो कितना बार कर कुतु के माना कहनी के हमरा घरे मत आव हमरा घर में दोगला लड़का से पैदा ले लेबा आ फिर भी लोग दौड़त रहता ए ससुरारी बात आई ना लो फूफा जी के नाश्ता ना करल हुआ कम से कम खाना खियावा हु जा बो जा मेहमान के खाना लेके खिया दो उनका घरों जाए के बा अभी खाना बनल का हम के लिया दी लोग फूफा रात के बसिया रोटी और आयल सब्जी वाला लिया दी वा खाए में खटता वा कोनो बात नहीं के सर बेटा कोनो बात नहीं के हमरा कोनो काम धंधा बा बनू गरम गरम खा के जाए आ फूफा
मुर्गो के मीट मंगा दी का? ना 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 मुर्गा काहे ला लिए बो, खस्सी के लिए आवा खाए में बड़ी मजा आई। केहू सार हमरा से मीट का पैसा मांग ले लकनु तो हमारे मुँह में लार धास दे। कौन बात ना कौन बात ना, जो बोगो मीट लेके आ जो चल भैयो रे। ठीक कहले हम मीट ले आवेला, आज फुफे के बहाने मीट चापल जाइस। साला रोज रोज अंडा खा के लवंडा बनल बनी सर। भैयो रे अपन बापुआ हाथों पर बड़ी जोर से मरले हो। बहुत जोर से? हाँ। अच्छा कोनो बात नहीं खे, एक पीस बेसिए खाइए सारा दर्द दूर हो जाएगी। हाँ। पाहुन इतना करिया काहे बानी? फूफा जी चिमनी में काम करी ले। भोर से कह इतनी इतना झोकड़ल काहे लागे तनिया। फूफा जी राउरो मुहुआ गधा के फूलल गांड लेखा लागता। अच्छा दमा जी मानदान होकेला कि ना कि हमरे लेकिन रोज रोज बेइज्जत होकेले? मानदान हमारे झाट होकेला वो से बतर दशा होकेला, लेकिन चाहेला कि कब चल जाओ, लेकिन हम खीसे खूटा गार के बैठल बानी डेढ़ महीना से। ठीके कहतनी पाहुन, एगो हमरो समय रहे घर में जाते गोर धोवाए लागे आ मीट मछली से घर गम गम महके। ठीके कहतनी फूफा जी, लेकिन आज के समय बा मीट मछली तो दूर के बात बा, हई सर से खाली पाद महकेला। अच्छा ये सब बात ठीक ठाक नहीं के, लेकिन मिठुआ होता तले आराम कर ली। इस्माइल भाई गोल पीस काटा गोल पीस। का इस्माइल मुर्गा कैसे चलत हौ? मुर्गा चलत नहीं के बैठल बा। सरा हूँ मजाक कैले बरा, दाम बताओ सरवा। अच्छा भाई तनिए बता भाई सरवा दाम पूछल का? खाली पूछल का मुर्गी कैसे चलता? ए रुक ए दाम बताओ कैसे हौ? 200 रुपये किलो। ओ भाई पैसा लावा। ए इस्माइल सुन ना, एक बार हेतना बीख मत पाद, कम कितना करब ये बताओ। ना भाई कम ना हो तो 1 रुपये कम ना करब। ला 1 रुपये कम दे, 199 रुपये लाओ। साला 1 रुपये कम करके एहसान करो तरह का रे, 180 रुपये देवे बोल, अभी खरे खरे कटवा ले बहू। कम ना हो तो आगे बढ़। ए चल कम ना करी सरवा चल। ए भाई बोल तू कितना चाहिए? आधा किलो। भाई मिठुआ ना ले भाई का। ए लेवल जाई चुप ना, वो अपने बुलाई कही हो भाई हेने आवा 180 रुपये दो, तन का इंतजार कर। साला दोगला बारे है ना बोले लखा, चल ले लेवल जाई चल। आ इस्माइल आए दाई मिटे किलो सरवाड़ा कम कर बेटा, आई धर 200 रुपये अपना गांड में खोस ले। अच्छा एगो समय रहे हमहू बहुत बड़का छिनार रहे। फूफा जी रहुआ रही हम बानी। फूफा हाई देखा मीट देखत तू बड़ा साला सबके दुगलाई काचे मीट से मुंह पर मार देल। काथी दुगलाई बतियाला फूफा, मुंह पर ना मरियो तो गान पर मरियो। देखत तू बड़ा साला के दुगलाई बतियाइल, बपो साला कम हरामी नहीं के सब सुनत रहला लइका सके समझावला ना। हमका बार बोली वेशभूषा बनैले बारे गादहा लेखन तो सह। प्रणाम मूसा। खुशी रह देहवा पर कहने चढ़ा देले अलन सरसराइल घंटी मारते प्रणाम मूसा। चल साइकिल पीछे कर। घर में खाएला खर्ची ना आ बाटत रह के बा पर्ची। ये घर में दूगो कुटुंब कब रहलख कि तीसरा चौथा आ गेल? अरे हम ये बोला बतानी कुत्ता लेखन चिल्लाल बरा अब तो साला सा तो मार के बेलगा दी ना। मीट मंगा मंगा के खियावो गांड फटे ना बाप के नु अर्जे में का बेलो दादा जा तरे साला के दुगलाई। अरे ई तो बॉबी मौसी के बेटो सब आ रहे हैं रवि और रंजन। अरे कोनी बेले है सर? प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। खूब खुशी खूब प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हट हट प्रणाम कराओ के औकात हो तोरा जाके फोन ले। एके प्रणाम कर लई। प्रणाम भैया। खुशी रह खुशी रह बाबू हमर। अच्छा दादा कुछ बोलो तो दादा के बात के बुरा ना मानिए सर। ऐसे मिठाई में तो नहीं कथी ले ले सर? कहाँ कुछ लेनी है
माई पैसे ना दे ले रहा तो तोहनी कथी करे ले हा धर्मशाला बुझले बारे बिना कुछ लेले चल दे वालीस हई ले पानी पी ए हटा पानी ए का भेलवा पिए दहु ए मिठाई ना खेले के आल जा दे भइयो पानी पी लेवे दही ए बिना मिठाई के कुटुंब कसनो करे रे चल चल लेके चल घर जो भइयो घरे रात हो जतौ बैठला से कोनो फायदा ना हो साला दोगला छो सब दुगारी पे कहियो मुतहु ना है साले बिना मिठाई के मुंह उठा के चल दिए बउओ देखो मीट बनल कि ना बनल भूको लागल बा बाप के जूजी खाए ला बेचैन बरन देखा तानी बनल कि ना बनल माई मीट बन गेलौ हां हो गेलौ ए माई पानी मत लगाई हम भूजल खबाऊ हमहू भूजले खबो लोगन हां पानी ना लगाई ना अच्छा ठीक हो जा जा के प्लेट ले आओ लोगन जा सब कहतो नहीं कि मीट बन गेले बा आके खा ल उम्मीदो रखले बारा का खाए ला उ सर्वस से बचतव तब न खइबो भाइयो तोरा में ज्यादा जात हउ मीट के कमी है का रे होना ना साला चुपचाप ज्यादा जात हउ हाली हाली खोने द फुफा जतव हां बैठला से काम धंधा ना चले वाला बा दमाद जी अपना से गोड़ा चलाए पड़ी ना तो भूखे घांचियार के मोर ए मेहमान भीतर कहां बारे बैठू बारे खाना आई बोलू मत ज्यादा रहुआ साला हिया भूखे बैठो बैठल गांड के नस फटल बा आ खाना बारे आई तोरी बहिन करा के अरे सब रख कढ़ाई चाट के चिकन कर देले बड़ा अच्छा एकरा मतलब अलग बर्तन में रखल बा और मिटवा भाइयो फूफा ता कुछ जानते ना हो बतावो तनी फूफा माई मिटवा बने रे लखा अच्छा आ खाए में लागल बहु से अच्छा आ तू रह गेला पाछा आ खाते खाते खत्म कर देनी हा अरे साला साला मिटवा खा गेले कुत्ता के बच्चा सब बारे करे ए भोसरो केने मारू हे न्या अंगना में कैसे कैसे लेके पैदा कर ले मारू फूफा ए फूफा हमने के बता दी के गाड़ी ना तो हमने मिल के गाड़ी फाड़ी साला हमरे का और मेरे भैया फूफा के गाड़ में मारो साइने हाथे पकड़ाओ ए हाथ सलात मेरे पूरे ए मेहमान ए रुकी हम दूसर कुछ ले आओ तो नहीं खाएला चुप छिन रे मार बाबू सा मार के फूफा के गाड़ो फाड़ दे ए मेहमान आखिर का भेल हा काहे छिन्नी मौगी लेखन गीत गा के रोवत नी लइका से 200 मिल के मन रखा अरे पापा हट जा आज फूफा के गार फाड़ ए काहे रे का भेल फूफा के गार काहे फाड़बे साला माई के छिनरी कहलक ह मार के धोती कुर्ता फाड़ दे साला के आ पापा गाड़वा के का करी साथे साथे हुआ फाड़ दे ए क्या करता लोगन ठीक नहीं कहो बीच में लबर लबर बरोता रहा तोरा घर जाके तोरा बहिनिया के छिनरी कहती तो कैसा लगता आपको चुपचाप खड़ा रहा मतलब तो फूफा के साथ साथ तोरो गार फरा जाई अरे फूफा के पेट में फुल्ले बा अरे मार के पचकाओ रुक अब तोरी के फुआ के बुला के ले अब तब तोरी के हम बताए कि फूफा जी के कितने मार मार ले बारे तई का देर आ रुक जा फूफा तई का देर ओकरा बाद हमने हगाई दे हम सब